बांग्लादेश को रौंदने के बाद अब रणजी में उठाया तूफान। अब खेल दी ऐसी पारी, वर्ल्ड कप में पक्का होगा सिलेक्शन। ईशान की बल्लेबाजी देखकर थर्रा उठे गेंदबाज। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी में कमाल किया है। उन्होंने झारखंड के लिए गुरुवार को केरल के खिलाफ रांची में शानदार शतक लगाया। ईशान ने ग्रुप सी के मैच में 195 गेंद पर 152 रनों की पारी खेली। इस दौरान ईशान ने 9 चौके लगाए। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने राजस्थान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए गोवा के लिए 2 विकेट लिए। झारखंड बनाम केरल मैच की बात करें तो किशन ने अपनी पारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। एक समय झारखंड 114 रन पर 4 विकेट गवाकर संघर्ष कर रहा था। उसके बाद ईशान किशन और अनुभवी सौरभ तिवारी ने मिलकर पारी को संभाला। सौरभ 229 गेंद पर 97 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें जलद सक्सेना ने क्लीन बोल्ड किया। ईशान और सौरभ ने 5वें विकेट के लिए 202 रन की साझेदारी की। केरल के लिए जलद सक्सेना ने 5, बसिल थम्पी ने 3 और वी चंद्रन ने 2 विकेट लिए। केरल की पारी की बात करें तो दिन का खेल समाप्त होने तक उसने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। उसने पहली पारी में 475 रन बनाए थे। इस तरह केरल की बढ़त 195 रन की हो गई है। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन की बल्लेबाजी ही है जिसने वाकई में क्रिकेट को और भी ज्यादा लाजवाब बना दिया है। ईशान की बल्लेबाजी को देख अब यह मांग उठने लगी है कि वर्ल्ड कप 2023 में इस खिलाड़ी को टीम में जगह मिलनी ही चाहिए, और बीसीसीआई अधिकारियों भी अब इस विचार करने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या ईशान किशन को खिलाना भी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।